मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लोगों को फिल्टर पानी मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ताप्ती जलावर्धन योजना के तहत एक योजना शुरू की थी। यहाँ पर 2016 में इसका काम भी शुरू हुआ, लेकिन 7 साल हो गए हैं, अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण लोगों को फिल्टर पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाजार से लोग केन खरीद कर फिल्टर पानी पीने के लिए मजबूर है। नलों में गंदा पानी आने के कारण कई बार लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी कर चुके हैं। 6 महीने पहले धरना प्रदर्शन और आंदोलन की घटनाएं आधा दर्जन वार्डों में हो चुकी है। लोकल 18 की टीम को लालबाग क्षेत्र के नफीस खान ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में फिल्टर पानी अभी तक नहीं मिल रहा है, जिस कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी नलों में आता है। जब लोकल 18 की टीम बसाड़ स्थित प्लांट पर पहुंची तो यहां पर देखा तो पानी की पाइपलाइन फूटी हुई दिखाई दी, तो वही कुछ कार्य भी हो रहा था। जब यहां पर मौजूद लोगों से बात की तो उनका कहना है कि वार्डों में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम भी यहां पर समस्या देखने के लिए आए हैं। तो यहां पर पानी की पाइपलाइन फूटी हुई दिखाई दी, जो मेन सप्लाई है वही टूटी हुई है, जिस कारण पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 141 करोड़ रुपए की ताप्ती जलावर्धन योजना है, इसको 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कई वार्डों में लोगों को समस्या आ रही है, जिसको लेकर अब लोग भी यहाँ पर जहाँ पर स्टेशन बना हुआ है वहीं पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जब हम पूरी टीम लोकल 18 की यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर हमने भी देखा, आप भी देख सकते हो तस्वीरों में, कि किस तरह से यहाँ पर काम तो शुरू है लेकिन कुछ पानी की पाइपलाइन फूट गई है, जो मेन पानी की पाइपलाइन फूट गई है, उस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब हमने यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात की, उनका कहना है कि लंबे समय से हम पानी के लिए परेशान हैं, क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं, लोग हमारे घरों तक पहुँच पा रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर ग्राउंड पर आकर पता किया है कि क्या समस्या सामने आ रही है, और यहाँ पर समस्या में यह सामने आया है कि एक पानी की पाइपलाइन फूट गई है, जिस कारण क्षेत्र में पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये लगभग 7 वर्षों से GMC कंपनी का टेंडर था, जो ताप्ती मैया को घर घर तक पहुँचाने का, मटके में पानी पिलाने का वादा था सभी का, महापुरुष जी से लेकर सभी लोगों का, सरकार का भी। आज 7 साल बाद हमारे वार्ड में 2 महीने से पूरे स्थित 2 वार्ड, शिवाजी वार्ड, चिंचला वार्ड, लालबाग एरिया, जिसमें इसके ऊपर निर्भर हो गए, परंतु 2 दिन से पानी नहीं आने के कारण आज अध्यक्ष जी और गांधी कॉलोनी के पार्षद और मिलचल वार्ड के पार्षद मैडम साथ में आई, और साथ में ये देखते आए हम लोग कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो पानी लीकेज था उसका काम 2 दिन से चल रहा है, इसमें अध्यक्ष जी ने पतिराम जी से भी बात किया, जल्दी जल्दी करके लोगों को पानी पिलाए, क्योंकि पानी के बिना सब जीवन अधूरा है। क्योंकि नगर निगम ने जहाँ पे निगम का पानी सप्लाई था उन्होंने अपने स्टार्टर मोटर निकाल ली, तो वो आज इसी GMC कंपनी पे निर्भर हो गए, और दो रोज से पूरा बुरहानपुर पानी के लिए प्यासा है। और क्या फूटी हुई पाइपलाइन देखी और आपने क्या सुधार के निर्देश दिए? जैसे ये GMC कंपनी के जो जलावर्धन वाली पानी है उसकी पाइपलाइन फूटी है, वो पाइपलाइन भी देखी और यहाँ का निरीक्षण भी किया है, क्योंकि मतलब एक दिन हो गया कि पानी मिल ही नहीं रहा है। पूरे बुरहानपुर में ये स्थिति है कि यहाँ का जो पानी का पाइप है वो फूट गया, उसके कारण उसका रिपेयरिंग हो रही है, और यहाँ का पूरा निरीक्षण किया कि क्या चीज़ें क्या नहीं है, ये सब देखने के लिए हम लोग यहाँ पर GMC कंपनी के प्लांट पर आए। क्या समस्या बन रही है और आज आप कंपनी के यहाँ पर आए निरीक्षण करने, क्या क्या कहना चाहूँगी? आज सुबह से हमारे वार्ड में भी पानी नहीं आया है, घर पे लोग सब परेशान कर रहे हैं पानी के लिए कि पानी क्यों नहीं आया है। सबको ऐसे लग रहा है कि टंकी का मोटर जल गया है, लेकिन वो टंकी का मोटर नहीं जल रहा है। हमें बाद में समस्या पता चली कि यहाँ से पाइपलाइन जो मेन सप्लाई वही फूटा हुआ है। हाँ, क्या नाम आपका? सोनाली वीरेंद्र। वार्ड को लेकर के मुझे कल रात में फोन आया था कि वो कल सुबह पानी नहीं आ पाएगा, मेन पाइपलाइन फूटी है। मैंने वार्ड में सुबह घूमकर सभी को बता दिया कि आज पानी नहीं आ पाएगा, लेकिन उसका कारण देखने के लिए हम अध्यक्ष महोदय जी के साथ में GMC कंपनी आए हैं। वहाँ पर देखा तो मेन पाइपलाइन फूटी है, उसका कार्य चालू है, जल्द से जल्द चालू करके पानी लाने का काम करेंगे पूरे शहर। हफीज मुंशी, पार्षद पति गली। यहाँ पर क्या समस्या जा रही है? पानी की मेन पाइपलाइन फूट गई है, कब तक सुधर जाएगी? पाइपलाइन फूटी नहीं है, हल्का सा लीकेज था, उसको रिपेयर करके आज ही हम पंपिंग चालू कर देंगे। जो टारगेट है शहर में पानी देने का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, पार्सलों की समस्या है। कल सप्लाई दिया था, आज का हमने शटडाउन लिया था, आज हमने सप्लाई नहीं दिया, कल सुबह फिर सप्लाई मिलेगा सर। पानी रोज मिल रहा है जी? कितने वार्ड आप यहाँ पानी सप्लाई? वार्ड पूरे कवर्ड है, उसमें कुछ में वार्डों में थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। बाकी 12 जोन है, 12 जोन में पूरा सप्लाई चालू है हमारा। क्या नाम आप? आतिराम। कैमरा पर्सन जिनमें के साथ लोकल 18 के लिए मोहन ढाकले, बुरहानपुर।